अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। इसमें चेन रूल का इतना यूज़ नहीं है, वो सिंपल ही सॉल्व हो जाएगा। तो उसको हम, क्योंकि प्रीवियस हमारे लेक्चर जो हैं वो चेन रूल के ऊपर चल रहे हैं, और ये जो आज का लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज 2.4 का, तो इसको हम देखते हैं किस तरह सॉल्व होना है, क्या ये इस पे चेन रूल अप्लीकेबल है या नहीं, तो इसका हम देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। इसका पार्ट 1 है 3x + 4y + 7 = 0। तो ये जैसे है इसको वैसे सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जी, डेरिवेटिव लें इसका, टेकिंग डेरिवेटिव। जी, डेरिवेटिव के बाद क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू 3x + 4y + 7 = 0। जीरो का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो ही होता है। अब डेरिवेटिव लें, 3x का डेरिवेटिव हमारे पास 3 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। अब यहाँ ज़रा गौर से देखना, ये टेक्निकल बात है, 4y का डेरिवेटिव तो 4 ही आएगा। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, वेरिएबल इसमें डिफरेंट हो गए। अगर हमारे पास वेरिएबल डिफरेंट हो जाए तो जैसे है ये वैसे ही आता है, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसको हम dy ओवर dx ही लिखेंगे, प्लस 7 कॉन्स्टेंट था इसका डेरिवेटिव 0। दोबारा देख लें, यहाँ हमने कहा 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, तो यहाँ हमने ये वाली बात क्यों नहीं लिखी थी, सेम वेरिएबल था, इधर भी x था इधर भी x था, तो इनका डेरिवेटिव जो है वो हमेशा वही कांस्टेंट नंबर आते हैं। अगर आप लिख भी दें साइड पे, तो ये dx ओवर dx, dx से dx कैंसिल, आंसर वही 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 होती लेकिन यहाँ वेरिएबल डिफरेंट थे, यहाँ y है यहाँ x है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब लेना है तो आप उसको वैसे ही लिखेंगे जैसे वो है, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0 के। तो ये हो जाएगा 4dy/dx + 3, इधर आएगा तो -3, इसमें ये प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, dy/dx = -3/4। तो ये है हमारे पास डेरिवेटिव, dy/dx निकालिए। इसको चेन रूल से नहीं करेंगे, एक्सरसाइज से चेन रूल की है, लेकिन इसको आप सिंपली सॉल्व कर देंगे। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें भी वो पूछ सकता है, तो जिसको मैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के अकॉर्डिंग बताऊँ तो वो आपने उसी हिसाब से करना। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। जी, नेक्स्ट इसका पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 क्या है हमारे पास। जी, नेक्स्ट पार्ट 2 है xy + y² = 2। अब इसको सॉल्व करना है, वही डेरिवेटिव निकालना dy/dx, ये ज़रा ध्यान से। इसमें 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x और एक y, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे, ये माइंड में बिठाना है, जो जिस तरह का होगा क्वेश्चन आपने उसको उसी तरह डील करना है। ये प्रोडक्ट हो रहे हैं तो इनको आप प्रोडक्ट टूल से ही करेंगे, तो टेकिंग डेरिवेटिव जब करेंगे अब इसका डेरिवेटिव लें, चलें एक बार इंडिविजुअल देखते हैं, dy/dx/dy² = dy/2। जी, अब इसका डेरिवेटिव लें, अब x एज इट इज़ आएगा, y का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये कैसे लिखा जाएगा, x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव dy/dx, फिर प्लस का साइन। अब y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा dx/dx, उसके बाद प्लस, इधर पावर रूल पहले लगेगा y² का 2y, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो dy/dx,
इज इक्वल टू, अब ये टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें, क्या बनेगा, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, उसके बाद इसको इसके साथ कंबाइन करें डी वाई वाली वैल्यू को, टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स, अब प्लस y डी एक्स से डी एक्स कैंसिल होगा, आंसर वन आएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वही बात, x का डेरिवेटिव अगर लें तो वन आएगा, तो इसको कैंसिलेशन करने से भी वन नहीं आएगा। अब इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इंटू इधर से x, इधर से प्लस टू वाई इज इक्वल टू, प्लस y इधर आएगा तो माइनस वाई। अब हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए था, तो x प्लस टू वाई इधर मल्टीप्लाई उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स प्लस टू वाई। जी ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस टेक्निकल पॉइंट ये है कि यहाँ प्रोडक्ट मान रहा था, प्रोडक्ट टूल लगाना है, y का डेरिवेटिव पावर रूल तो लगेगा यहाँ, लेकिन आप इसका y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x रखेंगे, क्योंकि यहाँ डिफरेंट वेरिएबल हो जाते हैं। ये छोटे छोटे की पॉइंट है, इनको माइंड में रखेंगे, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। जी क्वेश्चन टू का पार्ट थ्री है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ भी आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना है, ये सिंगल टर्म है इसका वैसे डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई प्रोडक्ट की फॉर्म है तो यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा, और ये भी सिंगल टर्म है इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, तो लेते हैं डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव जी, डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर, अब कांस्टेंट इसको बाहर ले लें, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स वाई माइनस फाइव कांस्टेंट है, वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स ही आ जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो का डेरिवेटिव ज़ीरो। अब एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लें, पावर रूल लगेगा टू एक्स, नेक्स्ट अगर आपने लिखना है तो लिख दें, फिर इसके इंटरनल x का डेरिवेटिव ये हमारे पास dx एक्स ओवर डी एक्स, ये कैंसिल होकर आंसर वन ही देगा, इसलिए जहाँ सेम वेरिएबल होते हैं वहाँ हम इस तरह इसका डेरिवेटिव नहीं लेते। माइनस फोर यहाँ प्रोडक्ट टूल लगेगा एक्स वाई के ऊपर, अब x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव वो हमारे पास बनेगा dy वाई ओवर डी एक्स, उसके बाद प्लस का साइन y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव वो हमारे पास वन ही आएगा, इसको भी चले ऐसे एक बार लिख लें, माइनस ये फाइव डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के। अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगा, टू एक्स डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, वन आ जाएगा, माइनस फोर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज, प्लस वाई उसके बाद डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, आंसर वन आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्या होगा, माइनस फाइव डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के। जी नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट अब इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, सिंप्लीफाई करें, टू एक्स इंटू वन टू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, अब ये माइनस प्लस माइनस फोर इंटू वाई फोर वाई माइनस फाइव डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यूज़ को कंबाइन करें, बाकी की वैल्यूज़ को अलग कंबाइन कर लें, ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स माइनस फोर वाई उसके बाद माइनस फोर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और इधर माइनस फाइव डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के। अब इधर से कॉमन लें, कॉमन क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लें विद नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस डी वाई ओवर डी एक्स,
इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 4x, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस दूसरी तरफ जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये इधर प्लस, dy ओवर dx इंटू 4x प्लस 5। अब 4x प्लस 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, 2x माइनस 4y ओवर 4x प्लस 5 इज इक्वल टू dy ओवर dx। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, है कुछ नहीं इसमें, एक्स वाई प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको प्रोडक्ट रूल ले लिया इसका, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। आगे सिंप्लीफिकेशन है, dy और dx की वैल्यूज को सेपरेट करना है, आगे आंसर निकाल देना। तो उम्मीद है इसमें कोई मसला नहीं आएगा, तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 देखते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है, 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, सिर्फ इसमें x और y जो हैं ये हमारे पास वेरिएबल हैं, इसके बाद बाकी जो भी है वो हमारे पास कांस्टेंट है। जैसे इसमें एच है, ये भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट हैं। तो ये माइंड में रखना, बस एक्स वाई वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है हमारे पास। तो इसका टेकिंग डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ओवर डी एक्स इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब लें इसका डेरिवेटिव, 4 कांस्टेंट एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, सेम वेरिएबल है तो एज इट इज 2x आ जाएगा। अब यहाँ देखें प्लस 2h, यहाँ प्रोडक्ट 2 लगना है इस जगह पे, ये प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ प्रोडक्ट 2 लगाएं। प्रोडक्ट रूल क्या बनेगा, एक्स एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy वाई ओवर डी एक्स प्लस का साइन y एज इट इज, उसके बाद x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही आएगा, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अब आगे चलें, प्लस b कांस्टेंट है, यहाँ गौर से y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y पावर रूल से, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चूंकि डिफरेंट वेरिएबल है तो ये एज इट इज आएगा dy वाई ओवर डी एक्स। उसके बाद प्लस इधर से 2g कांस्टेंट है ये बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब यहाँ 2f कांस्टेंट प्लस 2fy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये dy वाई ओवर डी एक्स। उसके बाद प्लस c कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसमें हमने डेरिवेटिव लिया, कोई मसला है तो इसमें देख लें पूछ लें। जी नेक्स्ट क्या बनेगा, 4 2 8x, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2h पर, 2h x से मल्टीप्लाई होगा तो 2h x dy ओवर dx, 2h इस y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2h y। उसके बाद ये क्या बनेगा, 2by dy ओवर dx से होगा तो 2by dy ओवर dx। उसके बाद यहाँ से प्लस 2g और यहाँ से प्लस 2f dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये dy ओवर dx वाली टर्म है, इधर से ये है, इधर से ये है, इनको सेपरेट करें और यहाँ से dy ओवर dx कॉमन लें और जो बाकी टर्म्स हैं इनको सेपरेट करें। इधर आ जाएगा 8x, इधर से प्लस 2hy, इधर से प्लस 2g। जी बाकी वैल्यूज dy ओवर dx वाली सेपरेट कर लें, 2hx dy ओवर dx, उसके बाद प्लस
बी वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू एफ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जी अब क्या बनेगा, यहाँ से डी वाई और डी एक्स कॉमन लें और इन वाली वैल्यूज को, इन टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो क्या बनेगा, ये हमारे पास इधर से कॉमन है डी वाई और डी एक्स, बाकी क्या रहेगा यहाँ से टू एच एक्स, इसमें साथ टू भी कॉमन ले लें, टू भी बाहर लें, बाकी क्या रहेगा एच एक्स, उसके बाद प्लस इधर से बी वाई, इधर से प्लस एफ इज इक्वल टू, अब इनको इधर ले जाए एट एक्स इधर आएगा तो माइनस एट एक्स, उसके बाद प्लस टू एच वाई इधर आएगा तो माइनस टू एच वाई, उसके बाद प्लस टू जी इधर आएगा तो माइनस टू जी। जी उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं है, वही सिंप्लीफिकेशन चल रही है बस इसकी। अब ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो इधर क्या रह जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इधर से कॉमन भी ले लें टू, तो बाकी रह जाएगा माइनस फोर एक्स, इधर से माइनस एच वाई माइनस जी होल ओवर, ये टू इधर आके डिवाइड, और बाकी ये वैली वैल्यूज भी एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एक्स। अब इस टू से ये टू कैंसिल, तो बाकी फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स माइनस एच वाई माइनस जी ओवर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। जी तो ये हमारे पास इसका फाइनल डेरिवेटिव आ गया, जैसा कहेगा वैसा आपने करते जाना, आपका आंसर खुद ब खुद बनता चला जाएगा। यहाँ हमने डेरिवेटिव लिया, प्रोडक्ट टूल था, प्रोडक्ट टूल लगा दिया, जो वैसे वेरिएबल थे उनके वैसे डेरिवेटिव ले लिए। आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन है, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद एक साइड पे मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे डिवाइड, प्लस माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, इम्पॉर्टेंट इस क्योंकि डेरिवेटिव लेने की वजह से इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या इस तरह के क्वेश्चंस का डेरिवेटिव लेना आता है या नहीं। जी क्योंकि हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल हैं, वेरिएबल यानी वेरिएबल तो एक्स वाई ही है, डिफरेंट क्या इसमें एच कॉन्स्टेंट आ गया, बी का आ गया, जी आ गया, एफ आ गया, वो ये समझेगा, आपको चेक करेगा क्या इसको ये पता है या नहीं कि ये कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है, क्या इनको भी डेरिवेटिव में इन्वॉल्व करता है या नहीं। तो ये एक दो की पॉइंट थे जिस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है समझ आ गई होगी, इसमें मुश्किल नहीं है, तो ये इजीली आप कर लेंगे। जी तो उम्मीद है क्वेश्चन ये समझ आ गई होगी, कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, अभी मैंने इसके चार पार्ट करवाए हैं, खुद ही मैंने सारे करवाए हैं, तो इसमें मसला नहीं है। नेक्स्ट पार्ट फाइव और सिक्स है, वो बहुत थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो उसको भी हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, या अगर मुझे ज़रूरत होगी या अगर मैं समझूंगा इम्पॉर्टेंट है या कोई भी इसमें सिचुएशन क्रिएट होगी तो बाद में उसको करवा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, आज हम अपने लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर भी कोई मसला आएगा इन चार क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ लेंगे, आप इससे रेलिवेंट जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो करते रहें, मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बता रहा, जस्ट क्वेश्चन ही करवाए जा रहा हूँ, आप एग्जाम्पल को खुद करें, अगर किसी एग्जाम्पल में मसला आएगा तो वो मैं करवा दूंगा। एग्जाम्पल इसलिए हम मोस्टली नहीं करवाते कि उसका सोल्यूशन वहाँ होता है, स्टूडेंट जो करने वाला होता है वो उसको देख के समझ लेता है कि इसको मैंने कैसे करना है, अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो आप पूछ लिया करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तमाम स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठाएं। तो उम्मीद है इसमें आपको, जो स्टूडेंट इसको रेगुलर करेगा इन चैप्टर्स को, लेक्चर वाइज मैंने इसको अपलोड किया हुआ है, लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में से जाके देखें और वहाँ से आपको इजीली सारे लेक्चर मिल जाएंगे, लेक्चर वाइज टॉपिक वाइज मिलेंगे, और आप आराम से इनको देख लेंगे, आपको मसला नहीं आएगा। तो अगर कहीं से समझ नहीं आएगी आपको कि लेक्चर्स हमें कैसे अरेंज करने हैं, कैसे लेने हैं, तो वो फिर आप मुझसे पूछ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।